बेन गुण रवे आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ के बैठी सत्कार जो गुरु की संगत जी सतगुरु जी नूं सीस झुकाउंदिया रसना पवित्र करियो आखियो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर एक बार खेचल करो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेण दे माह वाक अनुसार आप जी गुरु के ढाडी सिंघां कवीशर सिंघां पासों गुरु के कथावाचक प्रचारक साहबाना पासों अपने वडेरियां दियां बातां सरवण करदे हो आप जी ने सोधा रह रहा साहब जी दे पाठ सरवण कीते बड़ा भला हो जाए अगर जिंदगी दे अंदर ये रस आ जाए जिंदगी दे अंदर सतगुरु तरस करके ये बख्शिश कर देन। तरस पाया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थी विहरिया किदे अवस्था बन जावे नानक नाम मिला ता जीवा। एदा अर्थ है आखा जीवा
विसरै मर जाओ। सतगुरु जी ने कृपा की रह रास, इहदा अर्थ अखरी अर्थ विद्वाना ने यह किया जेड़ा राह आम करके इहदा पहलों साडे बजुर्ग पिता जी वो कहिंदे ने रहो रास, जेड़ा राह रास आ जाए, जेड़ा मार्ग जेड़ा रस्ता रास आ जाए उस ते चलन वास्ते ये पवित्र बाणी आप जी ने सरवण की। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे विच आए हुए 15 भगतां दे विचों एक भगत साहिबान जी का जीवन भगत सदना साहब जी का आप जी दे नाल सांझा कीता है। अज एक होर भगत जी दे दर्शन करन दा मन बनिया, भगत बेण गुण रवाए आत्म रंग माने, योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने। वह महान भगत भगत बेणी जी का प्रसंग लैके तुहाडे सन्मुख हाजर हाँ। आग्या दिओ, असीस बख्शिश करो, चढ़दी कला विच फतेह दा योग उत्तर बख्शिश करके धनवादी बनायो। खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भगत बेणी साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे अंदर एक पंक्ति उपदेश जिहदे अंदर जीवन ते पहरा देण दी बात कीती उन्होंने। भगत जी ने यह गल कही, बेणी कहे सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई। यह सवाल रखिया भगत जी ने, मरण तो बाद किसे नू मुक्ति मिलती है, किन्ने मुक्ति पाई है, किन्ने आण के दस्या कि मैं मुक्त हो गया। मरण तो बाद दी कहानी किसे ने आण के दसी, कोई नहीं दस सकिया। किसे दी कहानी किसे दूसरे ने दसी है, मेरा बाप मर गया मैं उदी फोटो टंग के थले लिख दिता स्वर्गवासी, यह मैं दसिया है, मैं समझिया है, मैं अपने दूसरिया नू दसिया है कि मेरे पिता स्वर्गवास हो गए ने। कौन जाने गया होया व्यक्ति कित्थे वासा उसका, नरक निवासी कदी किसी नू किया नहीं, असी किसी नू कहिंदे नहीं। मरण मुकत किन पाई, इन्ना वड्डा सवाल भगत जी दे नाल दूजे भगत जी ने राय मिला दिती। नाल उन्हें आख्या भी मरण मुक्त किन पाई, जे मरण तो बाद किसी ने पा ली होवे, जे मरण तो बाद कोई मुक्त हो गया भी होवे। उन्हें हुआ क्या है, मुए हुए जो मुक्त दोगे मुक्त ना जाना कोयला, तेरी मुक्ति नू जानदा ही कोई नहीं भी तू मुक्त हो गए, फिर की फायदा तेरी मुक्ति दा, मरिया तो बाद मिली मुक्ति, जीवन खत्म हो गया, जीवन ऐं चला गया, मरण तो बाद मुक्ति पाई तो की पाई। इहदा मतलब है कि गुरबाणी के अंदर जिहड़ा उपदेश भगत जन बख्शिश कर रहे ने, तुहानू जिउंदे जी मुक्त होना पवेगा, जिउंदे जी भगत बनना पवेगा, जिउंदे जी बंदगी करनी पवेगी। जिन्ना चिर सुवासां दी माला चल रही है ना, एक सुवास अंदर एक बाहर, ये जिहड़ी चेन चल रही है माला, कंठे माला जिहवा राम, आ जिहड़ी माला चलदी इहनां दे विच सिमरन नाम परोणा पवेगा, भगती करनी पवेगी, मुक्त होना पवेगा, जिउंदे जी मुक्ति। वो भगत बेणी साहब जी का जीवन आप जी ने सरवण किया, आरंभ करते हाँ। भगत बेणी जी का खानदान है ब्राह्मण कहिंदे, ब्राह्मण खानदान दे विच्चों पंडित हैं तो उच्चे ज्ञानी हैं, ज्ञान की गल करते ने, ध्यान की गल करते ने, तो इन्ने वधिया कथावाचक ने, पुराणिक ग्रंथा की वेदा की कथा करते ने, इन्ने टॉप क्लास ने कि उस वक्त राज घराने के अंदर जिहड़ी सभा लगती है उस सभा दे विच्चों कथा करन जांदे ने। कथा करदे होया राजे ने जदों ये प्रसंग सुनिया, अगस्त मुनि दा कथा दे विच प्रसंग आया, उन्होंने सुना दिता कि उन्होंने चूलिया दे नाल सत्तां चूलिया च समुंदर पी लिया। राजे ने आख्या बड़ी वड्डी गल है बई, समुंदर पी लिया सत्तां चूलिया च। उन्हें आख्या जी हुण बेणी जी कथा करन आए, उन्हें अपने नौकरां नूं इशारा किया। कथा की समाप्ति हुई तो एक गागर एक दोना जिहड़ा दोधियां वाला दोना नहीं हुंदा, वह एक भर के लैंदा, भगत जी तुहाडे वडेरे ते सत्तां चूलियां च समुंदर पी गए, तो तुसीं आ एक डोना ही खाली कर दिओ, पर डीक ला के पीजो। बेणी जी सन बहुत सियाने, बड़ी उन्हां दी आत्मक अवस्था उच्ची सी, कल्ला साडे वांगू किताबी ज्ञान नहीं, वह अंदरों जुड़े हुए सन। वो कहिंदे राजन ये नहीं पीता जा सकता। राजन ने आख्या जे तुहाडे वडेरे
सत्तां चुलियां च पी सकदे ते तुसी नहीं पी सकदे, फिर ये तुहाडे वडेरे किदां दे होए? फिर भगत जी ने समझ लिया भी राजा कुछ होर चाहुंदा है। भगत जी ने आख्या, राजन तेरे सवाल का जवाब तेनू जरूर देंगे, पर उहदे सवाल दे नाल एक सवाल हल करना बड़ा जरूरी। चल गंगा किनारे, आपां ऐं करदे हाँ जिहड़े ठाकरां दी तू पूजा करदा आया ना, वो थोड़ी जी प्रीख्या कर लिए। राजे महाराजे सुनिया वो ठाकर की पूजा करते तो ठाकर नू पानी दे विच रखते सन तो उन्हों का ठाकर तरदा सी, ते जो राजे नू ये गल की हुण राजे ने जो दो चार किलो का ठाकर सीगा वो पानी च पाया तो डुब गया। भगत जी ने आख्या, राजन गल बनी नहीं, राजे महाराजे ये पानी की पूजा करते सन, माफ करना मैं निंदिया किसी की नहीं करता, तुहानू शायद इस गल का पुरातन कला का ना पता हो, पर नवा चंद धोने भी एक महाराणी पटियाले दी ने चाढ़िया सी ना, भई हाड़ आया पंजाब दे अंदर ते वह सोने की नत्थ चूड़ा जिहड़ा उन्हें वह पानी नू भेटा किया भी साड़ी महाराजां दी यह पुरातन रीत चलदी आउंदी है। ये वेख्या ना आप जी ने हुणे ही अड़दे सोशल मीडिया से, वह पानी नू ठाकर देंदे सन, पानी उतरदा है। भगत जी ने आख्या, राजन किहो जे तुहाडे राजे महाराजे वडेरे होणगे, आ तेरे तो पत्थर तरिया नहीं, ये तेरा ठाकर तो तरिया नहीं। राजे ने सिर नवालिया, कहिंदा जी राजे वह नहीं रहे तो असी भी वह नहीं रहे। भगत जी कहिंदे जे वह नहीं रहे तो असी भी वह नहीं रहे। पर भगत जी दे मन दे अंदर आ गया भी इस तरीके दे नाल भरम जिहड़ा तोड़ ना ना सके, माफ़ करना गुरु की संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रमाण है, दिते तो बिना मैं रह नहीं सकता, किसी का निरादर ना हो जाए। भगत जी भगत बाणी अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है भी जेड़े गुरु तो भरम निवरत ना ना हो, सामने बैठे स्रोते का उहदी माँ का सिर मुन दिओ, माँ का की कसूर है? कहिंदा उस माँ ने यह नलायक औलाद जम्मी है, ये कसूर है उसका, उन्हें यह औलाद जिहड़ी नेक नहीं पैदा की, नकमी औलाद पैदा की है, काबू बन गया गुरु, इस करके उहदी माँ का सुर मुन दिओ। माए मुंडो तिस गुरु की जाते भरम ना जाए, ये गल मेरी नहीं गुरु ग्रंथ साहब जी की है। जेड़ा गुरु भरम निवरत नहीं कर सकता उहदी माँ का सिर मुन दिओ, गुरबाणी का फैसला। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने जो कृपा की भगत जनों का उपदेश साडे वास्ते बख्शिश किया, भगत जी ने हुण उन्हां दा भरम दूर करन वास्ते, वेखो भरम हुंदा की है, पहलो मैं ये बेनती करदे आं, गुरबाणी तो ही फैसला लै लिया। गुरबाणी कहिंदी है, माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिया होए ना तैसा। जिहो जिहा तुसीं मन लवो हकीकत विच होवे ना उहनू भरम कहिंदे आ, जो असीं मन लिया वह हकीकत विच नहीं ये भरम है। पर मेरा सतगुरु कैसा है, भरम के पर्दे सतगुरु खोले, वह भरम का पर्दा ही पाड़ देता है। भगत बेणी जी ने मन के अंदर आराधना कर ली भी परमात्मा नू हाजिर करना है, ये सारिया गलों का भरम दूर करना है, ये अद विचकाले ये ज्ञान रह नहीं देना। हुण भगत बेणी जी घर चो निकल जाते हैं सवेरे ही, शाम को वापस मुड़ते हैं तो उस रब नू कहिंदे ने मेरे सामने आण के मेरे सवालों का जवाब दे। हुण रब दे नाल मिलाप की तड़प होर उठी, होर बंदगी तपस्या की, हुण घर दे वाली ते घर वाली कहिंदी हुण इधरों उधरों समान फड़ लिया, ना समान घर दे विच आउंदा ना राशन पानी, घर का गुजारा ही औखा हो गया। एक दिन घर वाली फिर तंग बहुत ही होगी, क्योंकि हुण बंदा घरों बाहर गया है, हुण अहीं विदेशों में आए हैं, तुसीं विदेशों में आए हो, वो कुछ सारे परदेश झाग सौदे को आया, आए तो सौदे वास्ते सौदा लेके मुड़ना नहीं घर, तो घर वाले दुखी, तो जे असी इतों खाली संसार तो तुर गए तो दरगाह दे विच जाना खाली चले गए तो भी दुखी, जाना तो कुछ लेके है ना। हुण घर वाली ने भगत जी नू शाम नू आउंदिया ना बहुत ही जदों तंग हो गई भी इहनू घर दे विच इन्नी गरीबी आ गई किसे पासे कोई पैसा नहीं आउंदा, मंग तंग के इधरों उधरों गुजारा बड़ा औखा हो गया है। हुण घर वाली ने मंजे ते बिठाया, बैगी लागे पीढ़ी डाह के, उन्हें आख्या, साइया आ मेरिया दो गल्लां दा जवाब दे, की सवाल ने बेनती है।
रचदी है। तेज उड्डिया मन पंखी घर आंगन ना सुख आई। घर आंगन घर का सब नू पता आंगन वेड़ा ना सुख आई। थोड़ा जिहा एक अध्यात्मक पक्ष हुंदा ते एक संसारी पक्ष हुंदा है। यह मैं बेनती करदे हां गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी ने जिन्ने प्रमाण दिते है मनुख की आत्मा नू परमात्मा दे नाल जोड़न वास्ते दिते आ भाषा, वो जिहड़ी समझ सकदा समझे। रुखां दी गल कह के समझाया है, जानवरां दी गल कह के समझाया है, पति पत्नी दे रिश्ते नू बना सवार के मिसाल बना के समझाया। जिवें घर वाली दा नाता पति दे नाल है, इसे तरीके नाल आत्मा दा नाता परमात्मा दे नाल है। घर वाली पुछदी है कित्थे रहिंदे सारा दिन, घर का ख्याल पिछों आप नू कोई आउंदा ना, कोई घर का ख्याल है नहीं तुहानू। घर दे विच परिवार है, जिया जंत है, साइयां जिम्मेवारी तेरी बनदी है। हुण जिहड़ा राशन पानी है रस्त है किन्ने खवानी है, कौन लिआउंदा इत्थे, किसे बाहरों आके ते पा नहीं जाना सजना। जिहड़ियां जरूरी वस्तां ने घर दे अंदर वो तां खत्म ने, आंढ गुआंढ मंगदियां। हुण ब्राह्मण जात है, गरीबी आ गई, इस करके आई भी पहलों राज द्वारे तुसी जांदे सी, कथा करन जांदे सी, ते हुण ओ राजे नूं तुहाडी उपजीविका दा कोई ध्यान नहीं आउंदा, ना तुहाडी कथा दा हुण कोई घर नूं कोई पैसा टका आउंदा। चलो गल नाल रलगी कह दिया, असी बाहर आने कथा कीर्तन करने वास्ते, तो घर वालिया के सवाल यो ही जे जेडे भगत बेनी जी की घर वाली ने किए है। साइया राज द्वारे कथा कर गया सर, हूँ घर के राशन कोई नहीं आता,
किथे रहना है की करदा है हुण बच्चे पालने औखे हो गए ने मैं लोगों की करजाई हो गई कि तो कौली खंड की फड़ वाहगुरु कोई दाल फड़ कोई आस पास गुजारा बड़ा औखा हो गया ते जदों भगत बेनी जी की पत्नी ने इन्ने प्यार दे नाल कमा फरा के सारा कुछ दसिया ना भी साइया तेरे भाने च आ तेरे हुक्म च आ तेरी रजा च आ पर मैनू इस गल दा ते दसो जे वो राजा कैसा है तुहाडी उपजीविका दा उहनू ध्यान नहीं उहनू इह ध्यान नहीं भी इहदा परिवार है पिछे इन्हां ने खाना की है नहीं कथा तो गुजारा हुंदा छड खेड़ा अध्याड़ीदार बंदे जांदे इन्हां ने ना दिहाड़ियां कर जाके को टब्बर ते पाले भगत बेनी जी ने पत्नी दियां बड़े प्यार दे नाले गल्लां सुन लईयां पर माफ करना भगत जना ने सारियां वस्तुआं सारा जिंदगी दे जीवन दा ढंग गुरबाणी च दस्या है भगत धन्ना साहब जी ने कह दिता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका पनिया कहिंदे ने जुती नूं बड़ी सोहणी नीका दा मतलब सुंदर पनिया छादन नीका अनाज मांगो सत शीका सीका लिखिया इहदा अर्थ है शीका हुण पेंडू बैठे ने इहनां नूं पता है कि जदों असीं जमीन वाहुंदे आ ना हल चलाउंदे आ एक वार हल वाया पहली नूं कहिंदे ने पाड़ पाई ठीक है जी दो वार वग दे उहनूं कहिंदे दोर पाई ते जिहड़ी सत वार पहली वगे ना सत वार उस च हल चलाया होवे जिहड़ा उहदे विच अनाज पैदा हुंदा सब तों वड्डी कीमत उहदी हुंदी है ते भगत जी ने एवें नहीं कोई अनाज मंगिया अनाज मांगो सत शीका गऊ भैंस मांगो लावेरी उह भी नहीं फंडर चाहीदी भी पट्ठे पावां अगों लत्त मारे ते बाल्टी परां जावे टीका ला के ना चोणी पवे गां मझ लवेरी चाहीदी आ थापी मारा पट्ठे पावां बाल्टी दुध दी चोवां गऊ भैंस मांगो लावेरी इक ताजन तुरी चंगेरी आ काबल वाले इलाके दी ना घोड़ी भी चाहीदी आ चंगी सवारी वास्ते अज दे भाणे कह लो चंगी गड्डी चंगी सवारी चाहीदी है बहुत इहनूं दुख हुंदा जे किसे चंगे ग्यानी दा चंगी गड्डी आ जाए ना लै बाबे दे थले एड्डी वड्डी गड्डी आ गई उह लोकां नूं वक्त पै जांदा भगत जी ने आख्या इक ताजन तुरी चंगेरी ते घर वाली भी ना अगों वेलने मार के गुट सेक देंदी होवे रोटी मंगिया घर की गीहण चंगी जन धन्ना लेवै मंगी ये भगत धन्ना जी ने घर दियां जरूरी वस्तां ने इन्हां तों बिना गुजारा नहीं भगत कबीर जी कहिंदे ने भूखे भगत ना की जाए जाए माला है अपनी लीजे हम मंगो संतन रेना मैं ना ही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देओ तले वो मंगे की मंगया दो सिर मांगो चूना पाओ की हो संग लूना अध सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जी वाले खाट मांगो चौपाई मंजा दे दे सिरहाना या वर्त लाई बिस्तरा दे दे ऊपर को मांगो खीदा तेरी भगत करे जन थींदा फिर भी कहिंदे ने मैं ना ही कीता लभो मैं लालच नहीं कीता ये घर दियां जरूरी वस्तां ने चाहीदियां ने भगत जी हुण बेणी जी ने बड़े प्यार दे नाल घर वाली दियां गल्लां सुनियां ते जिहड़ा जवाब दिता है वह बैंत शांत राही ढाडी जत्था बेनती इउं करदा जी सवाल होए हरि आया नु जदों सवाल होए हरि
कतल गाया साहब ने आग सुनाया ए राज द्वार गया सा कता ली मैं पर्दा रख के यो फरमाया पर्दा रख लिया आख्या फिर की होया करमा वाली है जिन्हें पैदा कीता वो खान नू जरूर देवेगा एदा फिकर नहीं करना काहे रे मन चितवै हुदम जाका रिजक आग्या कर धरिया सैल पत्थर मैं जांतो पाए काहे रेमन चितवह उदम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर में जंतो पाए ताका रिजक आग्या कर तरिया चबरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तदका एदा फिकर ना कर जिन्हें जन्म दिता जिन्हें शरीर दिता जिन्हें ढिड लाया ना वो खाण वास्ते प्रबंध करन दी जिम्मेवारी ओदी है आसा दी वार दे विच गुरु के कीर्तनीय सिंह पढ़ते ने आसा दी वार सो करता चिंता करे जिन उपाया जग जिन्हें जग उपाया जीदा जग है आपे जाने असी फिक्र क्यों करिए नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही हे जल में जन तो पाए न तेना पे रोजी दे उथे हठ ना चले ना को किरस करे आपा ते मेहनत करदे आ उथे कोई हटियां चलदियां ने उथे कोई मेहनत कोई दिहाड़ीदार जांदे ने एक बेनती करदे आ सतगुरु ने औरत का आकार ऐसा बनाया है वाहगुरु कृपा करता है पहलों देता रिजक संभाह पिछों दैता जंत उपाह बच्चा पैदा होया नहीं हुंदा उहदे वास्ते दुध का प्रबंध परमात्मा ने पहलों किया है पहलों दे रिजक का प्रबंध है एक और शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी का जब कासना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया जदों तू कुछ भी नहीं सी हुण ते मैं दावा करदा ना तुहाडे अगे भी मैं दीवान लाया संगत जी मैनूं पैसे दो प्रबंधक जी मैनूं पैसे दो चलो मैं काम कीता ने दिहाड़ी कीती पैसे मंगे वो जदों कीता ही कुछ नहीं सी जब कसना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म करे आया केड़ी मेहनत कीती केड़ी मजदूरी कीती की कर्म कीता जेड़ा आउंदे तेनू दुध मिल गया आउंदे मां प्यो तेनू नौकर मिल गया तेरी परवरिश दा उहने प्रबंध कीता ऐसा किहड़ा महान कर्म करके जम्मिया तू सब परमात्मा ने किया है जिन्हें पैदा किया रोजी जरूर देवेगा भगत बेनी जी ने घरवाली नूं आख्या पी इहदी परवाह ना कर हौसला दे के ढारस दे के वो रात कुल्ली च सुते ने ते फिर वो बंदगी दे विच लीन हो गए पर भगत बेनी साहब जी ने परमात्मा दे नाल कदे भी कोई गिला शिकवा नहीं किया कोई चीज मंगता बन के मंगी नहीं ते अखीर ते रब बाह फड़न वास्ते अपड़दा ते जरूर है ना वो पड़दे ते कजदा है लाज ते रखदा है ना हर जीओ भगतां दी सदा तू रखदा जुग जुग रखदा वो हर जुग च पैज रखदा है भगत बेणी जी समाधि ला के बैठे ते भगत बेणी जी दे वास्ते परमात्मा आ पाण के जिस कदर कारज सवारदा है सुनिए टोडी दी रुबाई ढाडी जत्था बेनती हे No!
ਸੱਸ ਮਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੱਸ ਮਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮਨੀ ਜਸ ਲਿਖ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ
रब भगतां दे वस विच है, रब नूं वस करन वाली कोई ताकत नहीं। ना तू आवे वस बेद पढ़ावने, ना तू आवे वस बहुत किणावने, ना तू आवे वस बहुता दान दे, ना तू आवे वस किते सियान पै, ना तू आवे वस धरती ताई है, ना तू आवे वस तीर्थ नाई है। ये वस विच नहीं आउंदा रब। सब को तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। भगतां नूं वस विच करना आउंदा, रब नूं किवें मनाउणा है। रब आप आया है, उधर भगत जी की समाधि लगी, हुण राजा दे रूप बना के, ये मेरा भरोसा है, मेरा मनना है, तुसी नहीं मनना ना सही, पर मेरा मनना रब आया, राजे का रूप बना के आया। घर वाली अदवाज दिती, वो कहिंदी ते राजद्वारे गए ने, कहिंदा मैं राजा हूँ, मेरे को कथा करन गए ने, मैं दक्षिणा देन वास्ते पहुँचा, कोई कसर नहीं छड़ी उन्हें बादशाही, क्योंकि राजा है। उस तरीके नाल बादशाही समान, ना कोई लीड़े लते कपड़े की कमी, ना रस्तों की कमी, उन्हें घर ही सारा भर दिता। भर के फिर भगत जी दे कोल आया, शब्द सुनाउन लगा, ये हकीकत दा भाई गुरदास जी का लिखा होया, गुरमुख बेणी भगत कर जाए एकांत बह लिव लावे। एकांत बह के लिव ला लेंदा है, कर्म करे अध्यात्मी होर किसे ना अलख लखावे। घर आया जा पुछी है राज द्वारे गया, अलावे घर वाली पुछदे ने कित्थे गया, राज द्वारे गया। घर सब हथ मंगिया ना वल छल कर के झब लंघावे। जिहड़ा मैं कहा सी कि पर्दा जिहा करके गल ते गोल मोल आला टाला कर देना घर वाली नूं। वड्डा सांग वरतदा ओ एक मन परमेशर त्यावे, पै जसवारे भगत दी राजा होए कै चल कर आवे। देह दलासा तुश के अणगिणती खर्ची पहुँचावे, जिहदी कोई गिणती मिणती नहीं। उत्थों आया भगत पास, ये मैं तां लिया आके गल लाया, इसे पौड़ी चों लिया है। उत्थों आया भगत पास होए दयाल, हेत उपजावे भगत जना जयकार करावे। भगतां दी जय जयकार, परमात्मा दी भगती दा सदका, ते भगतां दी पै सवार दा, उन्हां दे कारज सवार दा, बेअंत भुल्लां दी खिमा। सब दा धन्नवाद, शुकराना चौजी प्रीतम सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, बहुत ही सत्कार जो गुरु के कीर्तनीए भाई सुरजीत सिंह जी रसीला साहब, जिन्हां नूं मैं अज तो 13-14 साल पहलों तो जानदा, बड़े मिठ बोलड़े और चंगे गुरु के कीर्तनीए, वह हाजिर होए ने, उन्हां नूं जीओ आया, सानूं आग्या दिओ, भुल चुक दी खिमा दिओ, आखियो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़भागीओ सात संगत, गुरु दरबार की हाजरियां भर के अपना जन्म सफला कर रहे, सो आप जिया टाढ़ी बार आ रही गुरु इतिहास सरवण करा रहे सन, ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी, पारसमणि समो टाढ़ी जत्थे का प्रबंध वालों बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप जिया टाढ़ी बार आ रही गुरु इतिहास सरवण कराए ने। आओ हूँ आप जिया।